वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक वी आर ऑन राइट। यू। यस गो अहेड। ओके, नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत। शामे गाना का आज का ये एपिसोड नंबर 225, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो तुषार है आज हमारे साथ। तो आप बस बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सुरों की बौछार तुषार होने वाली है। दो तुषार है, फिर हमारे साथ देवांग जी है, फिर हमारे साथ राजीव जी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और हमेशा की तरह डॉक्टर तुषार पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर शुक्रवार को इस मंच को लोगों को मुहैया करते हैं, तो ताकि बहुत ही लोकल जो टैलेंट है, प्रतिभाशाली गायक है, गायिकाएं हैं, यहाँ पे आके अपनी कला दिखाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडस टीवी, आप हमें दूर दूर पहुँचाते हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह आज का ये कार्यक्रम भी मैं छोटी से एक श्लोक से करना चाहूंगी। त्वमेव माता च पिता च त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसका ये कार्यक्रम भी मैं छोटी से एक श्लोक से करना चाहूंगी। त्वमेव द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। मेरा एको आ रहा है क्यों? इसका ये अच्छा कार्यक्रम भी मैं छोटी से एक श्लोक से करना यू त्वमेव सर्वं। मेरा एको आ रहा है क्यों? तो आज का हमारे ये कार्यक्रम है मुकेश स्पेशल, गायक मुकेश, जिन्होंने तकरीबन 5 दशक से भी ज्यादा हमारे दिलों पे राज किया है। और संगीत की दुनिया में न जाने कितने नगीने, कितने नगमे और कितने सुरों के मोती पिरोए हैं। तो आज उनका जो 100th बर्थडे सेलिब्रेशन का ये विशेष एपिसोड है, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे तुषार झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू ललिता जी, थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन इट्स एन ऑनर टू बी हियर। डॉक्टर तुषार पटेल इन दिस टीवी, एवरीवन थैंक यू वेरी मच। और इन महारथियों के साथ जब मैं ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ तो थोड़ी नर्वसनेस भी है, क्योंकि आई हैव टू लिव इट अप टू देयर स्टैंडर्ड। सो यू नो आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट। आई एम गोना स्टार्ट विद अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आनंद का गाना है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और काफी और सारे दूसरे भी बहुत ही बढ़िया वाले सॉन्ग्स लेकर मैं आज आया हूँ यहाँ पे। काफी मुश्किल गाने लेकर भी आया हूँ, एंड आई होप यू नो जो हमारे साथ जुड़े हैं व्यूअर्स उनको बहुत पसंद आएगा आज का प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ दुल्हन बदन चुराए, छुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ दुल्हन बदन चुराए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ दुल्हन बदन चुराए, चुपके से Thank you.
हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते है मीठी उलझन मेरी अपना मन अपना ही होके सही दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे ये मेरे सपने यही तो हैं अपने मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए थैंक यू बिल्कुल सांझ की दुल्हन बदन चुराए हुए सज धज के आ चुकी है सांझ की बेला में आपने बहुत ही अच्छा गाया ये गीत फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत आनंद फिल्म का ये गीत गीतकार योगेश का लिखा योगेश जी का लिखा हुआ संगीतकार सली चौधरी साहब और आज हम उत्सव मना रहे हैं मुकेश जी के गीतों का मुकेश चंद या मुकेश चंद्र माथुर जो भी है लेकिन संगीत की दुनिया के हमारे लिए वो चांद भी है तारे भी है सब कुछ है तो इसी के साथ अगला गीत पेश करने जा रहे हैं राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत फिर एक बार आप सबके साथ जुड़ते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है स्वागत बहुत अच्छा लगा आपको देख के फिर से प्रोग्राम में यू आर अ वंडरफुल होस्ट Thank you so much for being here. I'm so honored to be part of Mukesh Ji's tribute today. And thank you to Tushar Ji and Indus TV for arranging this. And thank you all the viewers for taking time to watch this and make this special evening memorable. Mera pehla gana hoga.
तुम बिन जीवन कैसे बीता। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सावन के दिन आए, बीतिया दिलाए, कौन झुका कर राखे, मुझको पास बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। प्रेम का सागर हाए, चारों तरफ लहराए, जितना आगे जाऊं गहरा होता जाए। घूम के भंवर में क्या क्या डूबा, पूछो मेरे दिल, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। जैसे जुगनू बन में तू चमके, असुमन में बनकर फूल खिली हो, जाने किस बगियन में। मैं अपनी किस्मत पे रोया, पूछो मेरे दिल, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। क्या बात है राजीव जी, आपकी आवाज बहुत सिमिलर रिसेम्बल करती है मुकेश जी की आवाज से, और बहुत जो दर्द है गाने में बिल्कुल
निकल आया। और ये शुक्र है कि आज मुकेश जी का संगीत हमारे साथ है, वरना हम भी शायद यही सवाल करते कि तुम बिन जीवन कैसे बीता पूछो मेरे दिल से। अनीता फिल्म का ये गीत लक्ष्मी प्यारे का संगीत था। मुकेश चंद्र माथुर या मुकेश चंद माथुर 22 जुलाई 1930 को जन्मे दिल्ली में, और बचपन से उन्हें गीत संगीत और ज्यादातर एक्टिंग का, सिनेमा का बहुत शौक था। तो उनके रिश्ते में बहुत ही हमारे मशहूर एक्टर मोतीलाल साहब जो उनके रिश्ते में थे, उन्होंने उनको एक प्रोग्राम में गाते हुए सुना तो वो उन्हें मुंबई लेकर आए। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो बहुत अच्छा गाया आपने। देवांग जी आप तैयार हैं? जी बिल्कुल ललिता जी, स्वागत है नमस्कार आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी शुरुआत तुषार और राजीव जी, बहुत बढ़िया 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 गीत गाए आपने। गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, एक मैं पूरा रोमांटिक लेकर आया हूँ। एक फरमाइश थी तो वो थोड़ा सा सैड वाला वर्जन है, बट मोस्ट ऑफ देम आर रोमांटिक। दिस वन इज़ फ्रॉम 1970, आप ही बता देना, बाद में मैं गीत गा लेता अरे बाप रे, मेरी परीक्षा मत लो प्लीज। दीदार फिल्म से 1970। हो ओके ओके। तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को, तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को, तेरी अंगड़ाई में मिला दूं, तेरी अंगड़ाई में मिला दूं, बोलो तो गीत बना दूं, तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को। जुल्फों के आवारा सावन में, जुल्फों के आवारा सावन में तेरे अंग अंग के दर्शन में, तेरे मन के पूरे दर्पण में अपनी तस्वीर सजा दूं, अपनी तस्वीर सजा दूं, बोलो तो गीत बना दूं, तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को। बिंदिया की चंचल चितवन से, बिंदिया की चंचल चितवन से, बाहों के खनकते कंगन से, पायल की छनकती छन छन से अपनी आवाज मिला दूं, अपनी आवाज मिला दूं, बोलो तो गीत बना दूं,
होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को, तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को, तेरी अंगड़ाई मैं मिला दूँ, तेरी अंगड़ाई मैं मिला दूँ, बोलो तो गीत बना दूँ, तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को। थैंक यू, बहुत बढ़िया गाया देवांग जी, और बहुत अलग गाना आपने चुना यार। आपने जब दीदार कहा तो मुझे पुरानी वाली याद आई, नौशाद साहब की, दिलीप कुमार और नरगिस, लेकिन ये अलग वाली नई दीवार शायद, बिल्कुल, दीदार सॉरी हाँ 1970 की शायद, उषा खन्ना का म्यूजिक, और धीरज कुमार मेरे ख्याल से वो विलन का काम किया करते थे, इसमें हीरो से, इसमें हीरो थे आई थिंक धीरज इसमें कुमार। हीरो थे मेरे ख्याल से। हाँ हाँ पूरा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो फिर मुकेश जी आ गए मुंबई, और उन वो दौर ऐसा था कि गायक और अभिनेता एक ही हुआ करते थे, मतलब अभिनेता खुद के गाने खुद गाया करते थे, तो मोतीलाल जी के क्या चलते उनके जो सगे कोई थे उनके पहचान वाले, उनकी तरफ से उनको एक रोल ऑफर किया गया, और उन्होंने पहली फिल्म 1941 में फिल्म निर्दोष में काम किया, लेकिन वो असफल रहे। और आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा कि उन्होंने सुरैया के साथ भी लीड रोल में काम किया है, उषा किरण के साथ भी लीड रोल में काम किया है, लेकिन वो सभी फिल्में उनकी असफल रही। तो खैर, जो जब जब जो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यही सोचकर फिर, लेकिन वो अपनी राह पर चलते रहे। तो आगे की कहानी बाद में। तुषार जी आपका स्वागत है, क्या लेकर आए हैं आज आप हमारे लिए? थैंक यू ललिता जी, वेलकम एवरीवन टू द 225th एपिसोड ऑफ शामे गाना, एंड दिस इवनिंग इज़ वेरी स्पेशल एज वी आर गिविंग ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी ऑन हिज 101st बर्थ एनिवर्सरी। सो वंडरफुल सिंगिंग बाय ऑल थ्री सिंगर्स दिस इवनिंग, एंड गाने भी क्या क्या चुन चुन के लाए हैं सब लोग। मैंने लिस्ट देखा है, इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग, एंड थैंक यू ललिता जी फॉर वंडरफुल होस्टिंग, वी आर सो प्रिविलेज्ड। आई विल बी सिंगिंग समथिंग डिफरेंट, लेट्स हियर फर्स्ट। सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे, बाबुल पछताए हाथों कोमल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के, बाबुल पछताए हाथों कोमल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के, आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे,
सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। ममता का आंचल, गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां, घर गली अंगना, ममता का आंचल, गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां, घर गली अंगना, छूट गया रे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है, दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे। थैंक यू सो मच। बहुत दर्द से गाया डॉक्टर आपने, बहुत अच्छा लगा सुनने में। लड़की शादी होने के बाद विदाई जब उसकी होती है, अपनों को छोड़ के पराए लोगों के साथ पराए जगह जाके निभाने का वो जो दुख है, वो इसमें इतना गहराई से मजरू साहब ने लिखा है। ममता का आंचल, गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखिया, घर गली अंगना, दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है, क्या लिखा है मजरू साहब ने। और वो जो दर्द है वो मुकेश जी के अलावा कौन भला हम तक पहुंचा सकता है। तो बहुत ही सुंदर गीत, एसडी बर्मन साहब का संगीत, फिल्म थी बंबई का बाबू, सुचित्रा सेन और देवानंद। तो इसी के साथ फिर एक बार तुषार नंबर वन शाह जी आपका स्वागत है फिर एक बार श्री राम राम में। आप सब सब रहे हैं शामी गाना एपिसोड नंबर 225 मुकेश स्पेशल गाई। थैंक यू ललिता जी। थैंक यू। मैं थोड़े ऐसे भी गीत लेके आया हूं जो कि सैड सॉन्ग है, और जैसे कि देवांग जी ने कहा उन्होंने चूज किए हैं काफी रोमांटिक गाने, तो मैंने भी थोड़ा बैलेंस लाने के लिए, और मुकेश जी के सैड सॉन्ग्स गाने का मौका सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म पर और ऐसे प्रोग्राम्स में ही मिलता है, तो मैंने ये मौका मुझे गंवाना नहीं था। जो दो गाने अब मैं गाने वाला हूँ उसमें मुझे इतने हाई नोट्स हिट करने हैं कि मैं चेयर पे बैठ के नहीं गा सकता, तो अब मैं खड़ा हो गया हूँ। और हियर वी गो। Thank you.
बरखारानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जान पाए झूम कर बरसो। बरखारानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जान पाए झूम कर बरसो। बरखारानी आपकी आवाज में बहुत बढ़िया। आप यूं ही डर रहे थे कि मेरे हाई नोट्स जाएंगे नहीं, नहीं अच्छे लगे नोट्स आपके, कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई सुनने में। सबक फिल्म का ये गीत, उषा खन्ना का संगीत, बहुत हिट हुआ था ये गाना। और एक्चुअली इसका जो सैड वर्जन है बरखा बैरन, वो सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक सोलो है, तो बहुत अच्छा गाया आपने। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ मुकेश जी जब मुंबई आए तो जब वो गाना गाते थे शुरू में तो केएल सहगल साहब से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्हीं की स्टाइल से वो गाते थे। तो उनका जो पहला गीत जो बहुत हिट हुआ और उनको सही मायने में जो पहचान मिली वो थी फिल्म पहली नज़र का, दिल जलता है तो जलने दो, आंसू ना बहा फरियाद ना कर। जब ये गाना सहगल साहब ने खुद सुना तो वो हैरान हो गए, भ्रमित हो गए। वो कह रहे थे मुझे याद नहीं मैंने ये गाना कब रिकॉर्ड किया, इतना मतलब उसमें गहरा प्रभाव था। लेकिन हालांकि नौशाद साहब ने उन्हें कहा कि तुम इससे निकल आओ बाहर, धीरे धीरे अपना एक लहजा, अपनी एक स्टाइल जो है उसको विकसित करो और
उन्होंने बहुत उनको मदद की अपनी आवाज को अपनी पहचान देने के लिए। तो इसके बाद एक के बाद एक बहुत ही अच्छे गानों का एक सिलसिला शुरू हुआ जो कि हम बाद में सुनेंगे। और आपके सेकंड राउंड का सेकंड गीत आप ये जो गाना है वो है फिल्म संगीत सम्राट रामसेन से। बस इतना कहना ही काफी है, शायद सुनने वालों को पता है ये कौन सा गाना है। चली
नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा सुनने, बहुत अच्छा गाना आपने चुना था। एसएन त्रिपाठी का संगीत, और नाम में ही तानसेन संगीत सम्राट है, शैलेंद्र के लिखे बोल। और इस ये जो धुन बनाई है उसमें इतनी व्याकुलता है कि बस सुनने वाले के गहराई को झिंझोड़ कर रख देती है। वो व्याकुलता जो है मुकेश जी की आवाज में, क्या बढ़िया आई है, बाबा इसका हम इसके लिए शब्द ही नहीं है इसका वर्णन करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। तो नौशाद साहब ने फिर मुकेश जी को धीरे धीरे वो सैगल साहब की जो उनके ऊपर छाप थी आवाज में, उससे धीमे धीमे बाहर निकाला। और फिल्म अंदाज और मेला, दो फिल्मों के लिए उनसे गीत गवाए शुरू में। उसमें से एक बहुत ही फेमस गीत गाना था, गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, वो भी बहुत हिट हुआ था। तो चलिए अब दूसरे राउंड के हमारे फिर दूसरे सिंगर अब आ रहे हैं। राजीव जी, आपको सादर निमंत्रण। थैंक यू सो मच। मेरा अगला गाना है, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। मैं बचपन से गाता हूँ ये गाना। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार ने दे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने को प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा। वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, दिल में छुपाए कर मर जाने को प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। उसकी रहे तू जिसकी हो
तुझको मुबारक प्यार की डोरी, उसकी रहे तू जिसकी होनी, तुझको मुबारक प्यार की डोरी। बैठ गए हम गम की चिता पर, जिंदा जल जाने को प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने को प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आया सुनने में। हालांकि दर्द भरा गीत है, फिर भी अच्छा लगा सुनने में। मेरे ख्याल से एक हसीना दो दीवाने फिल्म का ये गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। ये भी बहुत हिट हुआ था गीत, याद है मुझे। और जब हम मुकेश की बात करें और फिर राज कपूर जी का उल्लेख ना हो, ऐसा भी कभी भला हो सकता है? ज्यादातर वो मशहूर हुए राज कपूर जी के गीत गाकर, उनको आवाज देकर। ये सिलसिला फिल्म आग से शुरू हुआ। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं, इस गाने ने धूम मचा दी थी। और इसके साथ ही एक अनुपम संगम ने जन्म लिया हिंदी सिनेमा के फिल्म इतिहास में, राज कपूर, मुकेश और शंकर जयकिशन। और ये जो श्रृंखला चलती आ रही, एक के बाद एक, बरसात, आवारा, श्री 420, जागते रहो, मैं अब याद नहीं आ रहा मुझे, पर मेरा नाम जोकर और धर्म करम, जब याद आएंगे दूसरे फिल्मों के नाम तो फिर बताऊंगी। तब तक आप अपना दूसरा गीत गाइए। फिर एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर तुषार पटेल, विजय गर्ग जी, इंडस टीवी, देखने वाले, सुनने वाले, मुकेश स्पेशल शामे गाना एपिसोड नंबर 225। चलिए ये सिलसिला जारी रखते हैं। थैंक यू। मेरा अगला गाना है दो कदम तुम न चले, दो कदम हम न चले, आरजुओं के दिए बुझ गए चलते चलते। दो कदम तुम न चले, दो कदम हम न चले, दो कदम तुम न चले, दो कदम हम न चले, आरज़ू के लिए बुझ गए चलते चलते, दो कदम चले, दो कदम हम ना चले।
हमको आंखों में बसा लेंगे तुम्हारे गम को, हमको आंखों में बसा लेंगे तुम्हारे गम को। तुम कभी बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहती हूँ। मेरे दिमाग में कल्याण जी आनंद जी थे, हमने अपना सब कुछ खोया, सरस्वती चंद्र का गीत था, तो मेरे से गलती हो गई, माफ करना प्लीज। ये गाना जो है ये एक हसीना दो दीवाने से, ये भी कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो कल्याण जी आनंद जी मेरे दिमाग में थे तो अदला बदली हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। ये गाना जो है इसके बोल सुन के मुझे तलत साहब का एक गीत याद आ गया, हमसे कुछ मीनिंग जो अर्थ कहते हैं उसको, गाने का जो आशय, हमसे आया ना गया तुमसे बुलाया ना गया, फासला दोनों में प्यार से मिटाया ना गया, तो वो गाना मुझे याद आया। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत मजा आया। तो बस कल्याण शंकर जयकिशन जी के बाद कल्याण जी आनंद जी के साथ मुकेश जी का जो एसोसिएशन है वो बहुत ही उनका योगदान इस जोड़ी का भी बहुत ही अच्छा रहा है। 101 बढ़कर गीत कल्याण जी आनंद जी और मुकेश इन ट्रियो ने हमको दिए हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 100 से ऊपर ज़्यादा गाने होंगे उनके, बहुत ही हिट। एक और एक संगीतकार ऐसे थे जिन्होंने ज्यादा गाने नहीं गवाए मुकेश जी से, मेरे ख्याल से उन्होंने ज्यादा संगीत ही नहीं दिया, सिर्फ दो गीत जो हिट हुए थे, एक था वो तेरे प्यार का गम, एक बहाना था सनम फिल्म माय लव से, और दूसरा रोमांटिक उसी फिल्म का गीत जो मुझे बेहद पसंद है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। और इसके संगीतकार थे दान सिंह, वो जो राजस्थान से आते हैं, और दुर्भाग्यवश उन्हें उतनी पहचान और उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई, पर उन्होंने भी बहुत अच्छे गाने मुकेश जी से गवाए हैं। तो चलिए तुषार जी आपका स्वागत है, फिर एक बार आप गा रहे हैं अभी,
कि मैं फिर से मैंने गड़बड़ कर दी, नहीं, देवांग जी नेक्स्ट है। सॉरी। अभी आप डांट लो मुझे। मुझे थोड़ा मेरा फोन देखना पड़ेगा, सॉरी देवांग जी। कोई बात नहीं, ठीक है, जो मैं क्या कहूँ आपसे, चलो। मुकेश मेरे दिमाग में ऐसे 2 दिन से घूम रहा है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। चलिए, चंद मुकेश की बात है। इधर दो तीन ही है, चंद मुकेश की बात है। आइए, मैं गीत गा रहा हूं, तौबा ये मतवाली चाल। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ है, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ है। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ है। बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, बहारे उमन हो घटा हो धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयां है, तन से उड़ता गुलाब कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल। यही दिल में है तेरे नजदीक आके, यही दिल में है तेरे नजदीक आके। मिलो तेरी पलकों पे पल के झुका के, जो तुझसा हसी सामने हो तो कैसे, जो तुझसा हसी सामने हो तो कैसे। चला जाऊं पहलू में दिल को बचा के, मेरी ऐसी मजाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल।
हूँ मैं भी दीवानों का एक शाहजादा हूँ मैं भी दीवानों का एक शाहजादा तुझे देख कर हो गया कुछ ज्यादा खुदा के लिए मत बुरा मान जाना खुदा के लिए मत बुरा मान जाना ये लब छू लिए है यूं ही बेइरादा नशे में इतना ख्याल कहाँ तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ तौबा ये मत वाली चाल थैंक यू वाह मजा आया सुनने में बहुत ही मतवाले अंदाज में गाया आपने पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत लक्ष्मी प्यारे का संगीत मजरू के बोल और मनोज कुमार इसमें शायद फिल्माया गया था उनके ऊपर या वहीदा मनोज कुमार मेरे ख्याल से राज कपूर के बाद अगर सबसे ज्यादा गाने मुकेश जी ने गाए हैं तो वो मनोज कुमार साहब के लिए गाए हैं बहुत हिट गाने हैं मनोज कुमार साहब के पत्थर के सनम है हिमालय की गोद में है पहचान है शोर है सन्यासी है बेईमान है आप कितने गिनाए बहुत अच्छे अच्छे गाने मनोज कुमार जी के लिए मुकेश साहब ने गाए हैं बहुत मज़ा आया सुन के तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अब आप आ रहे हैं जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल हाँ दूसरा गाना तैयार है आपका हाँ जी तैयार है तो कुछ फरमाना चाहूँगा रंगी को नारंगी कहते हैं बने दूत को खोया चलती का नाम गाड़ी देख कबीरा रोया तो ये इस गीत की शुरुआत थी तो मैंने सोचा उसको अरे बहुत बढ़िया बहुत सही अंदाज में शायद ना गा सकूं इसलिए मैंने बोल दिया उसको ये है हमारे श्याम जी की फरमाइश जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या सब सच है जिंदगी ख्वाब है दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या जिंदगी ख्वाब है बहुत
एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा। क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी है, एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी, जहर ने मारा जहर को, मुर्दे में फिर जाना भी। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। थैंक यू, ओवर टू यू ललिता जी। बहुत अच्छा लगा सुनने में, एकदम मजा लेकर गाया आपने, मोतीलाल जैसे एकदम। खैर वो तो पिए हुए थे, अपने मस्ती में झूमते जा रहे थे, बहुत ही देखने लायक, बहुत ही अच्छा, अच्छी एक्टिंग। और अगर आप लोग, किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है, जागते रहो, जरूर देखिएगा। एक्टिंग क्या होती है वो राज कपूर साहब ने इस फिल्म में दिखाई है, एक भी डायलॉग नहीं है उनको, और लेकिन एक्टिंग जो है, भाव जो दर्शाते हैं अपनी आंखों से, अपने चेहरे से, वाकई काबिले तारीफ, बहुत ही प्रशंसनीय। अब जरूर देखिएगा अगर आप किसी ने नहीं देखी हो तो। सलील चौधरी का संगीत था, और मस्ती में झूमते हुए मोतीलाल के ऊपर फिल्माए इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे। मुकेश साहब कहते थे कि अगर उनको 10 ऐसे हंसी मजाक वाले या लाइट मूड वाले गाने मिले और एक दर्द भरा गीत मिले, तो वो 10 गाने छोड़ के एक दर्द भरा गीत गाएंगे। वही उनकी जो एक अपनी कशिश थी, जो उनको अपने आप में एक महसूस होता था, अच्छा लगता था गाने में, उनकी रूह थी उसमें, तो वो गीत, वो ज्यादा दर्द भरे गाने गाना पसंद करते थे। तो चलिए तुषार जी, आपका फिर एक बार स्वागत। थैंक यू ललिता जी। थैंक यू। तो देवांग जी अगर श्याम जी के लिए सरप्राइज कर सकते हैं, फिर उसके गाना गा सकते हैं, तो आई एम गिविंग यू सरप्राइज टू ललिता जी, लेट्स हियर। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मत
घर कैसे के बने ये नजर जुबां कैसे के बने ये जुबां नजर कैसे ना जुबां को दिखाई देता है ना निगाहों से बात होती है जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है तू चली आए मुस्कुराती हुई तो बिखर जाए हर तरफ कलियां तू चली जाए उठ के पहलू से तो उजड़ जाए फूलों की गलियां जिस तरफ होती है नजर तेरी उस तरफ कयानात होती है जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है थैंक यू सो मच मैं कैसे कहूँ आपसे कि मैं कितनी आभारी हूँ आपकी व्हाट ए प्लेजर सरप्राइज डॉक्टर जी आपने बहुत यू मेड माय आपने मेरा मतलब दिन कहो शाम कहो रात कहो बस बाहर ला दी बहुत पसंद है मुझे ये गीत बहुत ही पसंद है डांसिंग और मुकेश जी और शशि कपूर पर फिल्माया गया माय लव फिल्म का ये गीत शर्मिला टैगोर साथ में इसी से मुझे याद आया कि ज़्यादातर हम कहते हैं कहते नहीं यही है एक हम एक धारणा है ऐसी कि मुकेश जी माने दर्द भरे गीत हालांकि वो बात सच है लेकिन उन्होंने हल्के फुल्के और रोमांटिक गीत भी इतने सारे गाए हैं और 101 बढ़कर डम डम डिगा डिगा रमैया वस्तावया सुहाना सफ़र मधुमती फिल्म का मेरा जूता है जापानी जिसने रशिया में धूम मचा दी थी मेरा नाम राजू घराना अनाम और चल मेरे दिल लहरा के चल मौसम भी है वादा भी है उनके गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है क्या बात ए मेरे दिल आवारा चल फिर वही दोबारा चल यार ने दीदार का वादा किया है डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत और अब किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार ये मेरा दीवानापन है बस अब मैं रुकती हूँ आप अपना अगला गीत शुरू कीजिएगा थैंक यू फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मेरे दो पसंदीदा गीत गाने के लिए थैंक यू ललिता जी तो मेरे दो सॉन्ग चांद पे थे तो एक मैंने दूसरा गा लिया तो नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑन चांद वी जस्ट हैड अ गुरु पूर्णिमा दिस वीक यस
चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा, कैसे फिर चैन तुझ बिन, तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन तुझ बिन, तेरे बदनाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। आँख नाजुक सी कलियां, बात मिसरी की डलियां, होट गंगा के साहिल, जुल्फे जन्नत की गलियां, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। चुप ना होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी, फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे, फिर तो पत्थर ही शायद जब तुसे काम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा गाया, बहुत मजा आया सुनने में। राजकुमार और मेरे ख्याल से माला सिन्हा के ऊपर फिल्माया गया ये गीत फूल बने अंगारे, आनंद बख्शी के बोल, और कल फिर एक बार कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और कल्याण जी आनंद जी के करियर का पहला नेशनल अवार्ड जो मिला वो भी मुकेश जी के गीत के लिए, सरस्वती चंद्र का चंदन सा बदन उसके लिए मिला। और मुझे एक बात याद आई मेरे बचपन की जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपका जो पहला गीत था चांद सी महबूबा हो मेरी, जो आपने रिप्लेस किया,
मेरे बचपन में मुझे याद है, हमारे घर में पास पड़ोस में बहुत उस जमाने में रेडियो सुना जाता था, तो विविध भारती पे हफ्ते में एक बार फौजी भाइयों की फरमाई जयमाला प्रोग्राम आता था। उसमें कोई एक सेलिब्रिटी आता था हफ्ते में एक बार, जो कि अपने पसंद के गीत फौजी भाइयों को सुनाता था। और उसमें उस टाइम तो सोशल मीडिया था नहीं, तो सभी बहुत उत्सुक रहते थे कि कौन आएगा कौन आएगा। तो किसी ने कहा कि भाई जयमाला शुरू हो गया और सुनील गावस्कर पेश कर रहा है जयमाला। तो हमने फटाफट रेडियो, मेरी बहन ने रेडियो शुरू किया, तो उसमें वो पहले बोलते थे कि वो गीत उन्हें क्यों पसंद है। तो मुकेश जी का ये गीत चांद सी महबूबा हो सुनील गावस्कर ने बजाया था। उसके पहले उन्होंने कहा, तब वो एंगेजमेंट हुई थी उनकी, और उन्होंने कहा कि मैं कहना तो नहीं चाहता, पर मैं इस रेडियो प्रोग्राम के जरिए, वो चाहे शायद सुन रही है, तो मैं उसे कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरी महबूबा चांद सी महबूबा होगी। तो मेरे दिमाग में अभी तक याद है सुनील गावस्कर का ये पसंदीदा गीत जो उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बजाया था फिल्म कार्यक्रम जयमाला में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मुकेश जी ने बहुत सारे हल्के फुल्के भी गीत गाए, उसमें से एक गाना मुझे अभी याद है, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। और डुएट्स, उनके जो डुएट्स है वो लता जी के साथ तो उन्होंने बहुत सारे डुएट्स गाए हैं, लेकिन सुधा मल्होत्रा के साथ उनका जो डुएट है, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम अगर भूल भी जाओ मुझको, तो साहिर साहब के बोल। मुझे कभी कभी लगता है कि साहिर साहब ने खास सुधा मल्होत्रा जी के लिए लिखा होगा वो गीत। और शारदा के साथ अराउंड द वर्ल्ड का, ये मंजर देख कर जाना चले जाना जरा ठहरो। और बावरे नैन का गीता दत्त के साथ, ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते। अब मेरे ख्याल में और कुछ डुएट आएगा तो मैं गाने के बाद में बताऊंगी। ओवर टू यू फिर एक बार तुषार जी, ओवर टू यू। थैंक यू ललिता जी। जैसा कि आपने पहले कहा था कि मुकेश जी 10 रोमांटिक सॉन्ग छोड़कर या लाइट मूड के सॉन्ग छोड़कर एक दर्द भरा गाना गाना पसंद करते, यकीन मानिए बिल्कुल उसी तरह मैंने 10-15 गाने मेरे लिस्ट में से ऐसे हटाए जो कि रोमांटिक थे, जो मैं बिल्कुल गाना चाहता था, लेकिन एक दर्द वाला गाना मुझे लगा कि नहीं, इसे मैं हटा नहीं सकता यहाँ से। तो बिल्कुल उसी गाने के लिए मैं अब रेडी हूँ। और जिस तरह मुकेश जी जितना दर्द उनके गानों में होता था, उनकी सिंगिंग में, उससे तो खैर कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जस्टिस कर पाऊँ।
रोशनी की यही तो शुरुआत है, टूटनी है जो बिजली मेरा सर तो है, टूटनी है जो बिजली मेरा सर तो है, जो अंधेरे हैं बेघर मेरा खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। दे दो कांटे हमें फूल ले लो सभी, फूल कोई कुचल जाए जब भूल में, फूल कोई कुचल जाए जब भूल में, सोच लेना कि हम मिल चुके बहुत ही अच्छा। आपने जैसे कि कहा कि मुकेश जी की आवाज का जो दर्द है वो आपको पसंद है, आपकी आवाज में भी वही दर्द बिल्कुल उतर आया। और कल्याण जी आनंद जी भी यही कहते थे कि वो कशिश, वो तड़प, वो व्याकुलता जो उनकी आवाज में थी, वो कहते थे जब ऐसे दर्द भरे गीत आते थे तो उनकी पहली पसंद मुकेश जी ही होते थे। तो फिर एक बार कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदिवर के बोल, सुहानी रात फिल्म का ये गीत। और मैं एक मन्नाडे कहते थे कि मन्नाडे जैसे सिंगर आप फिर सोचिए, मतलब वो कहते थे मुकेश जी अपने गाने में इतना दर्द कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, मैं कब ऐसे दर्द अपने गाने में ला पाऊंगा, मैं कब मुकेश जी की तरह दर्द भरे गीत गा पाऊंगा, ये खुद मन्नाडे कहते थे। तो लेजेंडरी मुकेश जिनकी आज हम 101st बर्थ एनिवर्सरी, और संजोग से उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी इसी दिन आती है, 78th ईयर ऑफ उनका उनकी शादी की सालगिरह। और उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम सरला था, वो उन्होंने भागकर शादी की थी उस जमाने में, उनकी अपनी भी एक प्रेम कहानी थी अनोखी। तो आज हम याद कर रहे हैं हमारे मुकेश जी के गाने, आप गा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, पर ये ऐसे लग रहा है मुझे कि महासागर की गहराई में मैं कितनी अंदर तक जाऊं और कैसे किन किन नगीनों को, किन किन मोतियों को मैं चुन के लाऊं, और मैं क्या बोलूं और कितना बोलूं, पता नहीं। ओवर टू यू राजीव जी। थैंक यू ललिता जी। मेरा अगला गाना जो है मुकेश जी की यादगार में तो है ही, लेकिन मेरे
ओल्डर ब्रदर की मेमोरी में के लिए भी है, जो मुझसे 5 साल बड़े थे और गाया करते थे गाना, उनका फेवरेट सॉन्ग. ही वॉज ओनली 19 व्हेन ही पास्ड. सो हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रो. हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना. हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना. इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना. हम छोड़ चले हैं महफिल को. जी भारी हो गया. मैंने जब आपकी दास्ता सुनी तो मेरा जी भारी हो गया, लेकिन वो जहां भी कहीं भी है शांति से है. आप भी तसल्ली रखिए और मेरी संवेदनाएं आपके साथ. जी चाहता है फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी का लिखा, फिर एक बार कल्याण जी आनंद जी का संगीत. और जब हम डुएट्स की बात कर रहे थे तो मुझे सुमन कल्याणपुर के साथ गाए उनके कुछ गाने याद आ रहे. मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, ये किसने गीत छेड़ा, ये मौसम रंगीन समा, दिल ने फिर याद किया. अब रुकती हूँ मैं, वरना हमारा प्रोग्राम पता नहीं 2 घंटा और चलेगा. मुकेश जी ने 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिसमें से 2 गाने बहुत ही बेहतरीन जो हम सब जानते हैं. सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी फिल्म अनाड़ी का, और कभी कभी फिल्म का टाइटल
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और रजनीगंधा का कई बार यूं ही देखा है, यूं भी देखा है, ये मन की सीमा रेखा है। तो इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। तो चलिए फिर एक बार आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और देवांग जी आप जी तैयार? बिल्कुल, थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया जी। पहले दीदार हुआ, फिर जागदे रहो कह दिया, अभी हम सफ़र शुरू रखते हैं, कंटिन्यू द सफ़र। तो मैं जो गीत गा रहा हूँ, जो तुमको हो पसंद। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, दिस इज फॉर माई वाइफ। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। साथ तो मर जाते हम कभी के, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आंखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।
थैंक यू। ये गीत जब भी मैं सुनती हूँ या इसका ख्याल मेरे जहन में आता है तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि बहुत सारी बीवियों की ये ख्वाहिश रही होंगी कि कभी ना कभी हमारे मियाँ हमारे लिए ये गीत गाए। तो मैं आपकी सराहना करती हूँ देवांग जी, बहुत ही प्रशंसनीय है ये बात कि आपने अपनी पत्नी के लिए ये गीत गाया, और शाम की फरमाइश भी आपने पूरी की, बहुत बहुत आभार आपका। सफर फिल्म का ये गीत, फिर एक बार कल्याण जी आनंद जी और शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी इन दोनों संगीतकार के संगीत निर्देशन में मुकेश जी ने बहुत सारे गाने, बहुत ज्यादा गाने गाए हैं अपने करियर के। तो जब मुकेश जी चल बसे तब राज कपूर ने कहा था, आप सभी को याद है, याद ही होगा कि आई एम द बॉडी, ही वॉज माई सोल, आई लॉस्ट माई सोल, मेरी आत्मा चली गई, मेरा सिर्फ शरीर बाकी है। तो ये स्वर्णिम युग का एक बहुत ही बेहतरीन ये कलाकार थे जो इतनी सारी निशानियां छोड़ कर गए हैं हमारे लिए। तो तुषार जी आप तैयार हैं? यस ललिता जी, तो श्याम जी के लिए गाना गाया, ललिता जी के लिए भी गाया, तो क्यों ना हम सुनील गावस्कर के लिए भी गाए। हो जाए इरशाद। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे है, दोनों ना सीधे सादे है। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी
भी सहना चाहे देखे ना ख्वाब वो महलों के मेरे दिल में रहना चाहे मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबाहों मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू सो मच। इट वॉज सो थॉटफुल ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं से सुनील गावस्कर सुने इसको, यू नो, बहुत ही आपने एक अनोखा एक सोचा, आपने कुछ अलग सा और ये गीत पेश किया हिमालय की गोद में फिल्म का। फिर एक बार कल्याण जी आनंद जी, जो मैं कहती रही हूँ बार बार के कल्याण जी आनंद जी और शंकर जयकिशन, सदाबहार गीते गीत उन्होंने हमें दिए हैं। और मुकेश जी का ये स्पेशल एपिसोड, दर्द भरे गीत और सब तरह के गीत हमने गाए, तो एक उन्हीं के जो पसंदीदा दर्द भरे गीतों की थीम वो जो खुद पसंद करते थे, उसी के चलते मैं एक शेर कहना चाहूँगी कि जिनकी आँखों में आंसू से नमी ना हो, जिनकी आंखों में आंसू की नमी ना हो, क्या समझते हो इसे कोई गम नहीं, क्या समझते हो इसे कोई गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपा के हंसने वाले भी कम नहीं। और कार्यक्रम की समाप्ति करने से पहले मैं आप सबसे विनती करती हूँ, आप दो शब्द कहे और फिर एक बार मुकेश जी को याद करते हुए आप सब कुछ कहे एक, और फिर बाद में मैं कार्यक्रम की समाप्ति करूंगी उन्हीं के गीत से। मैं गाने वाली नहीं हूँ, डरिएगा मत। मैं तो आप कौन पहला कुछ दो शब्द कहिए आप। तो मैं ही चलता हूँ। आज का संगठन बहुत ही उत्तम रहा मेरे हिसाब से और बहुत अच्छी श्रद्धांजलि रही। बड़ा मज़ा आया गीत, और कई गीत तो ऐसे हैं जो अभी मुझे गाने का मन कर रहा है, तो फिर से कुछ ना कुछ कर लूँगा मैं। पर बड़ा मज़ा आया। थैंक यू टू इंडस्ट्री वी, थैंक यू टू तुषार जी फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस माइलस्टोन इवेंट। अच्छा लगता है बार बार ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने में। ओवर टू समवन एल्स। थैंक यू ललिता जी, बहुत बढ़िया किया आपने। थैंक यू, थैंक यू सो मच। का गीत गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू द ऑडियंस, इट वाज वंडरफुल शो, एवरीबॉडी सैंग सो ब्यूटिफुली, इट वाज हार्टफेल्ट, इट वाज वंडरफुल ट्रिब्यूट टू मुकेश जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर तुषार भाई एंड इंडस्ट्री वी फॉर अरेंजिंग दिस। इट्स अ लवली इवनिंग, इट विल बी अ मेमोरेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। Again, you know, same thing. I want to thank Dr. Tushar Patel. Mukesh ji to, aur Dr. Tushar bhi jante hain ki hamari choices itni milti hai kuch areas mein, and this is one of them. Mukesh ji is so close to our heart, and mujhe malum hai Tushar ji shayad unke 4-5,000 geet aise hi ga sakte hain bina dekhe. To यू नो, मुझे लगता है कि ये मुकेश जी की श्रद्धांजलि का प्रोग्राम जो है वो एक बार नहीं होना चाहिए। वी नीड लॉट मोर। आई मीन आई फील लाइक सो मैनी गुड सॉन्ग्स लेफ्ट आउट, कि जो होना ही चाहिए लेकिन लिमिटेशन है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन थरली एंजॉयड, आई वॉज सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर एपिसोड, क्योंकि इतने बढ़िया सिंगर्स और ललिता जी आप होस्टिंग करने वाले थे, तो
बहुत ही एक्साइटिंग यू नो था कि आप होस्ट है और इतने सारे जबरदस्त गाने वाले हैं इस प्रोग्राम में. और मैं अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पे यही कह रहा था कि यू विल लव दिस एपिसोड, प्लीज ज्वाइन, क्योंकि बहुत बढ़िया सिंगर्स इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं. तो अगेन तुषार जी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. Thank you so much, everyone. So, Tushar will come back in December again. Raj Kapoor sahab ki kuch aa rahi hai memory December mein. So, we'll make a special episode on Mukesh ji and Raj Kapoor ji together. But thank you for this wonderful evening, everyone. It was really melodious singing by all of you with different kind of Mukesh ji song, which are not usually sung online platform. And Lalita ji, you were outstanding, absolutely amazing, fantastic hosting this evening, and you made our evening so special. So looking forward to see you all again in few weeks, few months. Lalita ji, will see you very soon, and keep supporting us next Friday again 8 PM. Thank you so much. जाने से पहले फिर एक बार हमारे देखने वाले, सुनने वाले श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद. इंडस टीवी, विजय गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तुषार पटेल जी, आपका धन्यवाद. राजीव जी, तुषार शाह जी, देवांग जी, आपने चार चांद लगा दिए अपनी गायकी से. मुकेश जी की यादें ताज़ा कर दी. बहुत ही अच्छा गाया आप सभी ने, बहुत ही अच्छा लगा सुन के. और जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मुकेश जी जो गीत छोड़ कर गए थे, मेरा नाम जोकर का, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे जहाँ, रहेंगे यही अपने निशा, इसके सिवा जाना कहाँ. तो बिल्कुल कभी ना मिटने वाले ये निशा छोड़कर मुकेश जी गए हैं. छोड़कर वैसे गए नहीं है, उनकी संगीत की आत्मा के जरिए वो अमर है. और इसीलिए हमारा और उनका एक दिल से दिल का रिश्ता बना हुआ है. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है आप ही से नाम प्यार का. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है आप ही से नाम प्यार का. के गुजर के भी सबको याद आते हैं, के गुजर के भी सबको याद आते हैं, हमारी आंसुओं में मुस्कुराते हो, हमारी आंसुओं में मुस्कुराते हैं. कहते हैं सभी से यही बार बार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है. इसी के साथ मैं ललिता सर्वमंगल की कामना करते हुए, सबका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सब से अनुमति चाहती हूँ. शुभ रात्रि, नमस्कार.